तो इस वीडियो के अंदर आपको BSNL का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, लास्ट मंथ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने BSNL के साथ अपने पहले 100 घंटों का एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड अब मुझे ऑलमोस्ट एक महीना हो गया इसको यूज करते करते, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर अब एक ग्राउंड रियलिटी वीडियो बनाई जाए कि अब क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं। लेकिन इस वीडियो में एक चीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, वो है मेरा और BSNL के रिलेशनशिप का लोकेशन। लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी पूरी की पूरी आगरा के अंदर, वहां पर मैंने आपको मल्टीपल जगहों पर दिखाया था क्या सीन चल रहा है, लेकिन अब मैं हूं नोएडा में। सो इस वीडियो के अंदर हम नोएडा, दिल्ली एंड इन बिटवीन के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे चेकआउट करेंगे कि BSNL के 4G की ग्राउंड रियलिटी आखिर इधर है क्या। तो इससे होगा ये कि इस तरफ की जितने भी ऑडियंसेस है ना, दिल्ली NCR नोएडा वगैरह की, उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता, तो हमारे स्किनली पे हमने 150 से ज्यादा फ्रेश डिजाइन अपलोड कर दिए हैं, एंड वो सारे ही नए नए मॉडल्स के लिए अवेलेबल हैं, फिर भले ही आपका कोई भी फोन हो, जरूर जाके अभी चेकआउट कर लो। एंड लास्ट कुछ फ्यू डेज चल रहे हैं, इसके बाद ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग हमने रखी थी कुछ मंथ्स पहले से, ये अब फाइनली चेंज होने वाली है। तो लास्ट एक 10-12 दिन का है आपके पास टाइम, अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो अभी जाके देख लो। एंड बाय द वे, कुछ डिजाइन्स के ऊपर क्लियरेंस सेल भी चल रही है, जो 59 रुपीज से आप स्किन्स ट्राई कर सकते हो हमारी, अगर आपको कुछ डिजाइन्स पसंद आते हैं तो। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कूपन कोड भी यूज कर लेना। सो गाइस, अभी हमें नोएडा में, एंड हम मूव कर रहे हैं सेंट्रल नोएडा की तरफ। सो बेसिकली सीन ये था दिमाग में कि भाई सिटी सेंटर की तरफ जाया जाए, वहां पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बेस्ट कनेक्टिविटी आएगी। सो हम वहीं पे ही अभी मूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर ही पहुंच जाएंगे। एंड यहां पे मुझे भी आगे चलते चलते कुछ मेजर टॉवर्स यहां पे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, यहां पे बहुत बड़े बड़े सेल टावर्स ऑलरेडी यहां पे दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। ये कंपनीज तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज के हैं ये वाले टॉवर्स, बट 1, 2, 3 मेजर बड़े बड़े हैवी ड्यूटी लोडेड टॉवर्स यहां पे ये दिख रहे हैं। पहला ये आपके सामने गया, ये देखो भाई, ये पहला है। एंड ये सामने आपको दिख रहे हैं 2 और टॉवर्स जो कि फुल्ली लोडेड ही हैं। अब किस किस कंपनी के हैं ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट में एक बहुत बड़ी मार्केट है, उधर जाके ट्राई करते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है इसका, एंड कितना नेटवर्क आ रहा है BSNL 4G का। फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है इन तीनों टॉवर में से कोई भी BSNL का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है ये 0 हो चुका है। एंड अभी कुछ पीछे तक तो था, लेकिन अब ये 0 है एंड मोबाइल डेटा भी नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ BSNL चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं और थोड़ा सेंटर की तरफ जाके। एक पॉसिबिलिटी हमेशा मुझे अभी भी यही लग रही है कि भाई कुछ कुछ सेक्टर्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि नोएडा पूरा सेक्टर्स में बटा हुआ है, तो कुछ कुछ सेक्टर्स में ऐसा हो सकता है कि BSNL अवेलेबल नहीं हो, लेकिन कहीं कहीं पर पहुँच गया हो। तो अभी पहले देखते हैं सिटी सेंटर, फिर अगर वहाँ पर भी कुछ प्रॉपर में हमको नहीं मिला रिजल्ट, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे सिटी सेंटर। पीछे आप मेरे देख रहे हो लॉजिक सिटी सेंटर मॉल, ये नोएडा का पूरा काइंड ऑफ एक सेंट्रल मॉल ही कह सकते हो। यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो भी हार्डली 50-100 मीटर की दूरी पर ही है, वेव सिटी सेंटर नोएडा। एंड यहाँ पर जो स्टेटस है ना BSNL के 4G का, वो ये है कि भाई कॉलिंग हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो है वो यहाँ पे चलने का नाम नहीं ले रहा। जो सेटिंग्स मैंने अपने फ़ोन पर रखी हुई है वो है 4G प्रेफर्ड। एंड अब मैं यहाँ पर ना एक YouTube पे वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। पहले इसको बैकग्राउंड में से बंद कर देता हूँ, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू प्ले अ वीडियो फ्रॉम YouTube। एंड यहाँ पर जो सीन है भाई, ये लोड ही नहीं होता BSNL के 3G कह लो, 3.5G कह लो, 4G कह लो, 4G तो खैर अभी आया ही नहीं, तो 3G या 3.5G पे YouTube का ये हाल है नोएडा के एग्जैक्ट सिटी सेंटर पे। कॉल टेस्ट यहाँ पे हमने ट्राई करके देख लिया, कॉलिंग परफेक्टली चल रही है। अब हमने 2 locations नोएडा की मेजर चेक कर ली हैं, पहली थी अराउंड 75 सेक्टर, एंड अभी हैं हम नोएडा के 50 सेक्टर के आसपास। एक और प्राइमरी बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकेशन है नोएडा की, जो है सेक्टर 18, बहुत बड़ा मार्केट भी है, बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर है काइंड ऑफ, वहाँ पर चल के ट्राई करते हैं, एंड वहीं पर आपको कॉलिंग टेस्ट भी दिखाता हूँ। भाई ये गाड़ी पार्क करी है, कितनी फाइबर की वायर्स है भाई, नेटवर्क साला एक नहीं आ रहा इनका वायरलेस में। तो अभी हमें नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में, एंड यहाँ पर भी जो सीन है आप देख सकते हो, सिमिलर सीन है, 3G दिखा रहा है, 4G का कोई नामो निशान नहीं है, एंड यहाँ पे भी नेटवर्क जो हैं वो पूरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने WhatsApp पिछली वाली लोकेशन पर मैसेज डाला था ना, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर आपके सामने YouTube को भी चेक कर लेते हैं, देखो भाई ये हाल है, वीडियो प्ले होने का तो मतलब छोड़ो, होम पेज इसका लोड भी नहीं हो रहा है। सो एज प्रोमिस्ड अब हम करने वाले हैं कॉल टेस्ट। यहाँ पे मैं कॉल लगा रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ इस कॉल को। भाई कहानी में नया ट्विस्ट, कॉल नहीं लग रहे,
ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जा रहे हैं कॉल। यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये कॉल लगाया, ऑटोमेटिक एंड हो जा रहा है। पिछले सेक्टर में एटलीस्ट कॉलिंग सही चल रही थी, यहाँ पे उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल किया और शायद सामने वाले का नेटवर्क खराब हो, मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स पे मल्टीपल कॉल अटेम्प्ट्स करके देखे एंड मैं खुद के नंबर को भी अगर डायल कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि भाई ऑटोमेटिकली एंड हो जा रहा है, जबकि मेरा फ़ोन 5G सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे फुल नेटवर्क्स के साथ। तो यहाँ पे कॉलिंग में भी फेल हो चुका है BSNL नोएडा के अंदर। सो भाई हमने ना ऑलमोस्ट नोएडा को एग्जिट कर लिया है, हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी कोई जो है डेटा का 4G में कन्वर्जन नहीं हुआ है। मैं सोच के अरमान लगा के आया था कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे BSNL के 4G से कनेक्ट करके वीडियोस वगैरह देखता हुआ जाऊँगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस दिखाऊँगा। इसी स्क्रीन पे मैं सोच के बैठा था भाई स्पीड टेस्ट करूँगा, लेकिन ये हाल है कि इसमें तो मेरा आईफोन कनेक्टेड है 5G, आप देख सकते हो यहाँ पर BSNL वाला जो फ़ोन है वो मेरे हाथ में है एंड इसमें अभी कुछ भी डेटा से रिलेटेड अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं अब CP यहाँ से कुछ 20 मिनट दिखा रहा है, 20 मिनट बाद पता चलेगा कि दिल्ली के सेंटर सिटी सेंटर में आखिर क्या झोल झाल चल रहा है। जस्ट इन केस ऐसे केस में आप सोच रहे हो कि स्पीड टेस्ट क्या दिखाता है, तो कुछ ये दिखाता है, स्क्रीन हैंग हो जाती है एंड देन टेस्ट फेल्ड का एरर आ जाता है। इससे आगे ही नहीं बढ़ रही स्क्रीन भाई, 4G का 50 Mbps या 3G का 5, 3, 4 Mbps छोड़ो, ये 1 Kbps की भी स्पीड नहीं आ रही है। कोई भी WhatsApp का मैसेज जो है वो जाने को राजी नहीं है। ये देखो ये मैसेजेस हमने कुछ भेज के देखे थे, कोई मैसेज जा नहीं रहा है जबकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। सो गाइस फाइनली हम CP में भी पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे पहुंच के मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि पूरा दिन और 1000 रुपए के तेल की, क्योंकि यहाँ पर भी भाई मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है BSNL के नेटवर्क की। हालांकि सिग्नल पूरे दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है कि रोमिंग में है, रोमिंग इसलिए क्योंकि मेरी आगरा की सिम है एंड यहाँ पे H+ दिखा रहा है, लेकिन जो वर्किंग है ना वो WhatsApp पे कोई काम कर रहा है ना ये YouTube पर कोई काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पे पेज की लोडिंग देखने को नहीं मिल रही। तो भाई अगर दिल्ली NCR या नोएडा के हो तो BSNL अभी के लिए भूल जाओ, MTNL सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, सिर्फ जियो एयरटेल या वी पर ही स्टिक रहो। मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है एयरटेल का 5G एंड एक है जियो का 5G, लेट्स सी दोनों की स्पीड्स क्या आ रही हैं। सो मैं यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, सो दिस वन इज़ द जियो एंड ये एयरटेल है। सो भाई जियो बड़ा लेट हो रहा है कनेक्ट करने में, एयरटेल की स्पीड 200 Mbps के आसपास मुझे लग रहा है टच करेगी। जियो स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई, क्या सिस्टम है। 180 Mbps डाउनलोड क्लॉक हो चुकी है एयरटेल के अंदर एंड जो अपलोड है वो अराउंड 10 से 12 Mbps एंड यहाँ पे जियो स्टार्ट हो चुका है, ये कुछ 25 से 30 Mbps दिखा रहा है। हालांकि ये 5G नेटवर्क पर है बट ये स्पीड्स 4G वाली ही आ रही हैं। पानी भी स्टार्ट हो गया भाई, बारिश स्टार्ट हो गई है। सो फाइनल रिजल्ट जियो का ये निकला है। तो भाई पूरी आउटडोर की चेकिंग वेकिंग करने के बाद जो है रिजल्ट सामने आ चुका है कि BSNL यहां के लिए अभी रेडी नहीं है। हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं है भाई। CP में चेक कर लिया से ज्यादा, मतलब अगर यहाँ नहीं आ रहा तो फिर कहाँ ही आएगा। 2-3 कॉन्टैक्ट्स को भी मैंने फोन में लाके पूछा भाई उनके एरिया में आ रहे हैं क्या, मतलब नहीं भाई कोई अते पते नहीं है। एंड अब हम जा रहे हैं वापस नोएडा जहाँ पर कॉलिंग एटलीस्ट हो जाती थी, भाई यहाँ तो कॉलिंग भी नहीं हो रही है एंड अब बाकी बातें करते हैं सीधा वहां पर। सो फाइनली अब हम आ गए हैं इंडोर्स में अपने वापस से स्टूडियो में एंड यहाँ पे भी मैं आपको अपना सिग्नल रेंज दिखा दूं, तो 2 से 3 बार मैक्सिमम आते हैं, कभी 1 पे आता है, कभी 2, कभी बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है तो 3। इंडोर्स में फुल सिग्नल वैसे भी नाम की कोई चीज होती नहीं है ज्यादातर, खास करके इन हाई राइज बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ पे 15 से 20 दिन रेगुलरली इस फोन को या इस सिम को यूज करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉल्स में एज सच कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कॉल ड्रॉप्स नहीं है, कोई कॉल लगने में कोई इशू नहीं आया। एक वो पुराने जमाने का BSNL था ना जो एक्चुअली में आज के जियो और एयरटेल बन चुके हैं, लिटरली बता रहा हूं, इससे ज्यादा दिक्कत मुझे जियो एंड BSNL में कॉल लगाने में आती है। कभी कॉल फेल होती है, कभी कॉल ड्रॉप होती है, कभी बात करते करते रैंडमली कभी भी कॉल कट जाता है, समझ से बाहर है। लेकिन BSNL की कॉलिंग क्वालिटी डेफिनेटली काफी बढ़िया चल रही है इन दोनों से। लेकिन भाई डेटा का हाल आप खुद देख लो, यहां पे आपके सामने मोबाइल डेटा ऑन कर रहा हूं इंडोर्स में हम अभी एंड नोटिस ये हुआ कि भाई रैंडमली खुद से ही H+3G पे स्विच होता रहता है, बार्स 2 से ज्यादा बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, ऊपर आई एंड डॉल्फिन जो BSNL का नाम था पहले वो दिखता रहता है एंड बस इसी तरीके से चलता है। व्हाट्सएप वीडियो कुछ नहीं चलता इंडोर्स में अगर हम बात करें तो, भाई यूट्यूब का पेज भी लोड नहीं होता है, ये हाल बना हुआ है। एंड सेम चीज विद व्हाट्सएप, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डेटा ऑन है लेकिन मैसेज में डबल टिक तो छोड़ो सिंगल टिक भी नहीं आ रहा,
मतलब वैसे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इंडोर्स में तो ये सीन है, लेकिन जब बाहर जाओगे तो चीजें पूरी चेंज हो जाती है। नाउ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बीएसएनएल ने लास्ट कुछ हफ्ते 10 दिन पहले ना एक बहुत ही तोड़ू प्लान लॉन्च किया है, जो कि है 997 का। उसके अंदर वैलिडिटी मिलती है पूरे 5.5 महीने, अप्रोक्सीमेटली 160 दिन, एंड डेटा गेस व्हाट 2 GB per day। सेम प्राइसिंग पे अगर हम जाएंगे ना जियो एयरटेल या वी में, तो ज्यादा में ज्यादा 80-90 दिन वो भी मैक्स आउट करके सारी स्कीमें लगा के, लेकिन बीएसएनएल बाय डिफॉल्ट ये प्लान ऑफर कर रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि बीएसएनएल ने प्राइस का जो गेम है ना वो प्रॉपरली क्रैक कर लिया है, क्योंकि एक परफेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म यूजर्स को हुक करने के लिए, एंड ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से एक हिट है। इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आपके एरिया में प्रॉपर सिग्नल्स आ जाएं बीएसएनएल 4G के, तो ये प्लान सेकेंडरी क्या प्राइमरी फोन के अंदर डालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे ही डेटा यहां पे एक्टिवेट हो जाए। हमने ये नोटिस किया कि पूरे नोएडा में हम घूमे इधर उधर, लेकिन प्रॉपर 4G कहीं पे एक्टिवेट ही नहीं है। जब हो जाएगा तो मुझे लगता है तब एक और वीडियो बना के बताऊंगा। ऑल्सो मुझे लगता है तीनों प्राइवेट प्लेयर्स ना छुप छुप के भाई देख तो रहे होंगे कि बीएसएनएल की क्या क्या वर्किंग चल रही है, इंटरनली स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे कि अगर बीएसएनएल का 4G या 5G एक्सप्लोड हुआ, जो कि ज्यादा उम्मीद लग रही है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से, तो उसे टैकल कैसे करना है। ये सब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंटरनली बन रही होंगी कि कुछ ऑफर निकाले जाएंगे या क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ओवरऑल आज की पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडोर्स में अगर आपको यूज करना है तो मुझे लगता है अभी इज नॉट द राइट टाइम। अगर आपके पास वाईफाई है एंड आप डिपेंड हो सकते हो अपने वाईफाई के ऊपर ही मोबाइल डेटा की, इंडोर्स में नीड अगर आप हटा सकते हो तो डेफिनेटली आप आज की डेट में बीएसएनएल ले लो। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसी लोकेशन के लिए ही बोल रहा हूं, तो ये कंडीशन मंजूर हो तो डेफिनेटली बीएसएनएल को आज ही ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं तो अभी के लिए रुक जाओ, जियो एयरटेल वी जो यूज कर रहे हो वो करते रहो। जैसे ही बीएसएनएल का अनाउंसमेंट हो जाएगा लेटर दिस ईयर 4G के लिए, तब आपको इसके बाद हमारे चैनल पे एक नेक्स्ट डिटेल रिव्यू वीडियो मिलेगा कि भाई हाँ अब पैन इंडिया आ चुका है, एंड मैंने सोचा हुआ है 3 से 4 शहरों में अलग अलग जाके रियल ग्राउंड रियलिटी चेक्स करेंगे। इसे एक बार याद दिला दूं, स्किनली पे नया कलेक्शन जरूर जाके देख लेना, बहुत सारे फ्रेश डिजाइन अपलोड हो गए हैं। पुराने डिजाइन जो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे वो रीस्टॉक कर दिए हमने, कोड यूज करना मत भूलना, आप ही का फायदा है। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक स्टे सेफ स्टे सरकास्टिक एंड गुड बाय।